नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। दुबई में आगामी 4-5 फरवरी को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के संदर्भ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जामभानी साहित्य अकादमी बीकानेर की अध्यक्षा डॉक्टर इंद्रा बिश्नोई ने बताया कि आज विश्व के सामने अनेक ज्वलंत समस्याएं मुंहबाई खड़ी है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। यह जितनी बड़ी समस्या है, अफसोस है कि इसके लिए प्रयास उतने ही कम हुए हैं और लगता है कि विश्व इसके प्रति संवेदनशील और गंभीर नहीं है। विकास के नाम पर आए दिन पर्यावरण की बलि दी जाती है। प्रकृति के विनाश के बदले किया गया विकास हमारे क्या काम आएगा? जब इस अतिक्रमण से आहत प्रकृति क्रुद्ध हो जाएगी और इस धरती पर संपूर्ण जीव प्रजातियां के साथ साथ मनुष्य जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आश्चर्य है कि सन 1970 से पहले विश्व ने पर्यावरण प्रदूषण को खतरा ही नहीं माना था। शुक्र है कि इसके बाद कुछ प्रयास इस दिशा में शुरू हुए, परंतु वे पर्याप्त नहीं है। बिश्नोई समाज विश्व भर में धरती पर एकमात्र ऐसा समाज है जो पिछले 500 सालों से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंतित है और इसके समाधान के लिए गंभीर प्रयास भी कर रहा है। इसका साक्ष्य यही है कि इन 500 सालों में इस समाज के हजारों लोगों ने वृक्षों और वन्य जीवन को बचाने के लिए दुबई में करने का उद्देश्य जामानी साहित्य अकेडमी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, इनके संयुक्त तत्वावधान में हम लोग 4-5 फरवरी 2023 को दुबई में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका विषय वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां और उनका बिश्नोई समाज के सिद्धांतों में क्या समाधान है। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर हमने ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। आप लोगों का प्रश्न है कि हमने ये दुबई में क्यों आयोजित किया, तो उसका मैं आपको कहना चाहूँगी कि दुबई हम देखते हैं एक मिनी वर्ल्ड के रूप में है। वहाँ का टूरिज्म इतना डेवलप है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पर सैलानी वहाँ आते हैं, तो हमें लगा कि दुबई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इस विश्व पटल पर जो एक बहुत ज्वलंत समस्या है, इसका पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जो आज संपूर्ण विश्व पर खतरा मंडरा रहा है, इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर क्यों ना हम वहाँ पर एक पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करें, जिससे कि संपूर्ण विश्व पर इसका प्रचार प्रसार हो सके कि हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। और इसका हमारे जो गुरु महाराज ने आज से 550 वर्ष पूर्व जो अपनी शिक्षाओं में उपदेशों में जो हमें जो संदेश दिया था, उसका प्रचार प्रसार विश्व पटल पर हो सके, यही उद्देश्य को लेकर हमने ये कॉन्फ्रेंस दुबई में आयोजित। कितने सेशन होंगे इसमें, किस तरह के लोग जो हमारे टोटल 6 टेक्निकल सेशंस हैं और टोटल इसमें 30 जो पर्यावरणविद और साइंटिस्ट हैं वो अपने पेपर प्रेजेंट्स करेंगे। समाज के ही लोग होंगे या दूसरे? नहीं, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे प्रतिभागी आ रहे हैं, इंडिया से भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।